हेलो नमस्ते व्हाट्सअप के एमचो, मैं हूं जय एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इन्फिनी कस्टम। तो इस लास्ट वीडियो देख के ना बहुत लोगों ने मुझे बोला था, एटलीस्ट 3 लोगों का मैसेज आया था और एक का फोन भी आया था कि मैं कब से कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया और कब से चाय हेटर बन गया। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं ना रोज़ ऑलमोस्ट दो टाइम चाय पीता हूँ और वीक में एक या दो बार ही कॉफ़ी पीता हूँ। और क्या उस दिन लेट हो गया था, इसके लिए कॉफ़ी बनानी पड़ी थी और अभी टाइम था तो चाय बना ली। और आज का व्लॉग है ना, एक व्लॉग नहीं होने वाला, मोस्टली एक कोलाज होगा कि मैं और मेरे 3 कजिन हैं ना अभी गांव जा रहे हैं हमारे 3। हाँ, हम लास्ट टाइम में राइड पे गया था तब भी मेरे साथ 3 ही फ्रेंड्स थे और आज भी 3 कजिन हैं। तो हम सब अभी गांव जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए। तो हमें ना जो भी कुछ ऐसा स्पेशल या फिर कुछ ऐसा फनी मोमेंट टाइप होगा ना या हम कुछ करेंगे वो ऐसे थोड़ा थोड़ा शूट करूँगा और उसका एक ऐसे समराइज करके वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप कि आपको पसंद आए और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। तो ये कजिन नंबर 1 प्रांशु, ये नौटंकी बाद जैसल, ये ध्रुव। अभी सुबह के 7 बजे और हमने राइड स्टार्ट कर दी है, रास्ते में अभी वापस मिलते हैं आपसे। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back. पहुंचे और यहाँ पे बारिश चालू हुई है। और ये देखो, ये जो बर्ड्स है ना, ये कीड़ों मकोड़ों की राह देख रहे हैं जब वो आए और ये अपना ब्रेकफास्ट चालू करे। सुबह के 8 बजे और हमने सोचा नहीं था कि इतने फास्ट बारिश गिरेगी। अभी हमको यहाँ पे रुकना पड़ा। 15 मिनट हुई है और बारिश तो और फास्ट हो रही है, उसका रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो गाइस अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं और कुछ सेकंड पहले अभी आपने देखा कि बारिश हो रही थी। तो पूरे बारिश में हम भीग भीग के यहाँ पे घर पे पहुँच गए थे 11 बजे के आसपास। और फिर घर की थोड़ी साफ सफाई करी, खाना वाना खा के हम सो गए थे। और अभी हम सब जाने वाले हमारे गाँव में एक मंदिर है नीलकंठ महादेव, तो वहाँ पे जाते और वहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसा ट्रेल राइडिंग जैसा है वो करेंगे और मिलते हैं आपको वहाँ पे पहुँच। एक बंदर यहाँ पर बैठा है और एक बंदर यहाँ पर बैठा है। थोड़ा सा चेंज इन प्लान्स हुए हैं। अभी हमें ना नीलकंठ महादेव के साथ एक जगह जाने वाले 64 जोगनी मंदिर, तो वहाँ पर भी हम ऐसा थोड़ा सुखड़ी चढ़ाने वाले हैं और नारियल भी। आज है day 2 और अभी हम बना रहे हैं बटर पनीर। यहाँ पे जैसल टमाटर काट रहा है, ये ऑनियन मैंने काटे। और भी क्या है ना, यहाँ पे पंखा नहीं, इसके लिए ये है। And now you're out of time.
ऐसे तैसे कुछ भी करके ना हमने बटर पनीर और फिर परोठे बना लिए थे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी, पराठे जल गए थे, फिर अच्छा हो गया था। तीन चार दो या तीन जल गए और बाद में तो अच्छा हो गया क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। परफेक्ट। हाँ, और वैसे तो अभी बारिश हो रही है वरना पास वाले गांव में नदी है वहाँ पे नहाने जाने वाले थे हम। हाँ, देखते आपको शायद क्लाउड्स का आवाज आ रहा होगा। ये जो टंकी है यहाँ पे रोज पानी आता है और पूरे गांव में यहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी हम यहाँ पर जाने वाले फाइनल यहाँ पे पहुंच गए। टी शर्ट पूरा पसीने से गीला हो गया है। अभी यहाँ पे 15-20 मिनट बैठते हैं फिर निकलेंगे घर पे और मिलते हैं कल सुबह। अभी हम राम टेकरी से उतर रहे थे तो ध्रुव का पाँव स्लिप हुआ और सीधा जाके पत्थर से टकरा गया। खून निकल रहा है तो पाँव धो रहा है अभी। और यहाँ पर जैसल भी घायल हो चुका है। ऑल दो यहाँ पे 20 साल से हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं मगर आज ही एक साथ दोनों को लगा। चलता है। Day 4 स्टार्टेड। पता अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक बंदर देखो सामने और एक बंदर देखो यहाँ पे पीछे। अभी हम देखो यहाँ पे है ना ये पेड़ है यहाँ पर चढ़े। और जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे यहाँ से मतलब एक ब्रांच होती थी उसकी ये बनियान ट्री की तो उस पर लटक के हम झूला खाते थे और फिर नीचे वहाँ पे कूदते थे। A few moments later, पूरा मधुमक्खी का झुंड टूट पड़ा। अगर आप गुजरात में रहते हो ना तो अगर ये आपने बात सुनी होगी कि खोटा कलर करवा नहीं। एक्चुअली मैं कल कलर नहीं कर रहा था। बहुत बार पहले भी हम सब वो पेड़ पे बहुत बार चढ़े हुए और वो मधुमक्खी का छत्ता भी बहुत सालों से है। पहले ना जब वो ध्रुव ने वीडियो इसके पहले वाला वीडियो शूट करके खत्म किया वैसे उसने मुझे बोला तुरंत कि अभी का अभी नीचे आ जल्दी नीचे। फिर मैं फटाफट नीचे गया और जैसे मैं नीचे उतरा ना वैसे सबकी सब हनी बीज ने मेरे पे एक साथ अटैक किया और मतलब कम से कम 60-70 के आसपास सब मेरे सिर के ऊपर ऐसे मंडरा रही थी। महाराज आए अंदर से मंदिर के अंदर से उन्होंने टंकी का नल खोला मुझे और टंकी के नीचे बिठा मैं 5-10 मिनट बैठा रहा। फिर वो जो एक येलो कलर का कपड़ा अभी अपने जो देखा वो पहन के मैं बैठा रहा फिर भी वो जा नहीं रही थी। तो फिर मैं कार के अंदर चला गया और कार के अंदर भी 10-15 मिनट जितना बैठा फिर सब हनीबीज चली गई तो मुझे फिर है ना चक्कर आने लगे। और फॉर्चुनेटली उस दिन है ना डॉक्टर हमारे गाँव में आया हुआ था तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाए और 3-4 टेबलेट भी दी फिर ठीक हो गया शाम के टाइम तक। और जब है ना जब मुझ पे हनी बीज ने अटैक किया था ना तो प्रांशु भी मेरे साथ में ही था तो उसके भी उंगलियों पे 3-4 ने काटा था और मुझे तो 18 तक याद है फिर भूल गया कि कितने ने काटा था।
और ये दोनों तो साले के साले भाग गए मंदिर के अंदर। भागने में ही मजा बैठे थे, तब मर्दान की दिखाने में मजा नहीं, भागने में ही मजा है। कम से कम कुछ बचाने तो आते, मगर दोनों तो भाग गए। चलो अभी मिलते हैं शाम को। तो गाइस आज है डे 6 और इस सीजन के ना लास्ट मैंगो हमें खाने मिल रही है, जो कल ही शाम को हमारे सामने उन्होंने पेड़ पे से उतारी थी और एकदम पकी हुई राइप है। और ये है वाव, हमारे गांव के पास में ही है, गांव के अंदर ही है, बहुत सालों पुरानी है। पहले मतलब मॉनसून सीजन में तो यहाँ ऊपर तक पानी भरा जाता है, मगर अभी तक 3 या 4 बार बारिश गिरी है, इसके लिए ड्राई है। देखो यहाँ पे धूप है, यहाँ पे बादल है और यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई है और पीछे की साइड भी बहुत सारी बारिश है। अरे यार जम लो सीन जो यार। तो आज है डे 7 और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि है ना मैंने थोड़े थोड़े ऐसे रैंडम शॉट्स करके वीडियो बनाया था। और अगर मेरा गांव पसंद आया हो तो कमेंट करके लिख देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो यार। बी शेक के लिए ड्रीम इनफाइनाइट एंड वर्क फॉर इट।